एंगुलर मोमेंटम, जिस तरह लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, उसी तरह एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम। देखिए, एंगुलर मोमेंटम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़ा शामिल होते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात ये स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है नहीं अगर पुरानी चीज़ें याद हों तो। शर्त ये कि पुरानी चीज़ें याद हो, माजी याद हो, क्या पढ़ा था पहले। तो खैर, हम फिर भी रिवाइज करने की कोशिश करते हैं पुरानी चीज़ों की। लीनियर मोमेंटम क्या था? टॉपिक तो एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन इसके अंदर भी लीनियर मोमेंटम का जिक्र आएगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। सिंबल क्या है इसका? पी। अगर एक बॉडी का मास एम है और वो वी वेलोसिटी से हरकत कर रही है, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम। इसको सर आइजिक न्यूटन ने कहा था क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन है, या मैं क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता, ठीक है। एक 100 किलोग्राम का मास आपकी तरफ आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और एक 1 किलोग्राम का मास आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो किसको रोकना आसान है? 1 किलोग्राम वाले को। तो अगर वेलोसिटी सेम है, जो हैवी मास है उसको रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसमें मोशन ज़्यादा है, उसमें मोशन, यही मुराद है क्वांटिटी ऑफ मोशन से। तो मास इसमें है ना, मास बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ेगी। अब है एक, बल्कि हमने न्यूमेरिकल किए भी थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, 10 ग्राम की या 100 ग्राम की भी अगर बुलेट है, एक मैं फेंक रहा हूँ आपके साथ, हैं केच केच खेल रहे हैं, मैंने 100 ग्राम की बुलेट फेंकी, फिर मैंने 100 ग्राम की बुलेट फायर कर दी, कौन से वाली रोक लोगे? जो मैंने फेंकी है, हैं दोस्ती, केच केच खेलवाने वाली बुलेट वाली आप नहीं रोक पाओगे। क्यों? अब स्पीड क्या है? ज़्यादा। तो जब हमने स्पीड या वेलोसिटी बढ़ा दी, अंदर हो भाई अंदर, खुद जगह दे दिया करो यार। जब स्पीड या वेलोसिटी आपने बढ़ा दी, तब भी क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या हो गई? बढ़ गई। इसलिए दोनों चीज़ें इसमें, मास भी है और वेलोसिटी भी है, इसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ। तो लीनियर मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है, लीनियर मोशन में ना, लीनियर मोशन है। हम बेसिकली रिजिड बॉडीज को पढ़ रहे हैं और रोटेशन को पढ़ रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ रोटेशन, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेसिकली बताएगा क्वांटिटी ऑफ रोटेशन। एक तो इस तरह से इसको याद रख लें कि जिसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ऑफ रोटेशन ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब फिर टॉर्क से इसको समझें। टॉर्क को हमने बहुत तरह से डिफाइन किया, टॉर्क क्या था? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन टॉर्क की एक डेफिनेशन ये भी है, मोमेंट ऑफ फोर्स, हेडिंग में मैंने लिखाया था टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? टॉर्क। यहीं से इसका फॉर्मूला भी निकलता है जो हमने डिराइव भी किया था। फर्ज करें ये एक नट है और ये क्या है, मेरे पास स्पैनर है, पाना है, पाने से मैं इसको क्या कर रहा हूँ? खोल रहा हूँ, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। तो जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ परपेंडिकुलर, बिल्कुल, तो एंगल मेरा कितना है? 90 डिग्री। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है या नट है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, वो आपका पोजीशन वेक्टर आर है, और बेसिकली इसी को हम कहते हैं मोमेंट आर, इसी को हम क्या कहते हैं? जब फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, सही है। फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? मोमेंट आर। अब ये यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी, तो ये आर ही हमारा मोमेंट आर में, आर ही हमारा। अगर मैं फोर्स किसी एंगल पे लगा दूं, मैं अकलमंद आदमी हूँ, मैं फोर्स यूं लगा रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी ये रोटेट होगा। बेहतर है मैं यूं लगाऊं,
लेकिन अगर मैं यूं लगा रहा हूँ तो मेरा एंगल 90 डिग्री नहीं है, एंगल 90 डिग्री मैं अब आर के साथ कोई एंगल बना रहा हूँ थीटा, लेकिन जो मेरी फोर्स है वो पूरी की पूरी फोर्स अब इसको रोटेट नहीं करा रही। मैंने फोर्स के दो कंपोनेंट निकाले, इसको ओरिजिन माना, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट एफ, अगेन देखिए आर के साथ 90 डिग्री पे कौन है, एफ साइन थीटा। तो अब मेरी कौन सी फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करा रही है, एफ साइन थीटा। तो वही आर इस पे और इस पे परपेंडिकुलर है, तो आर अब भी मोमेंट आर में, लेकिन जो मेरी फोर्स है वो अब एफ साइन थीटा है। तो इसलिए जनरल फार्मूला हम कहते हैं टॉर्क बराबर होगा आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ, किसके परपेंडिकुलर, आर के। तो एफ परपेंडिकुलर क्या है, एफ साइन थीटा, तो वही आर एफ साइन थीटा बन गया। इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा, ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी है तो आर एफ साइन थीटा आर क्रॉस, क्या लीला मजनू के किस्से सुना रहे हो एक दूसरे को, मेरी भी सुन लो, ठीक है। कहाँ तक पहुंचे थे हम, यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा अगर ए क्रॉस बी है तो आर एफ साइन थीटा आर क्रॉस एफ है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, टॉर्क आर क्रॉस। अब इससे अगर समझे एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम की एक डेफिनेशन ये है कि एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ। तो मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या है, आर पहले फोर्स बाद में, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम में क्या होगा, वही आर पहले मोमेंटम बाद में। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आर मल्टीप्लाई बाय एफ परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आर मल्टीप्लाई बाय पी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम की एक डेफिनेशन है, वहीं से हम इसके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो फर्ज किया ये कोई पार्टिकल है, मास इसका एम है, इसका मास एम है, इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम है, इमेजिनरी फर्ज कर लिया, इस डायरेक्शन में इसका मोमेंट, ये ओरिजिन से कितना दूर है, मैंने आर वेक्टर ड्रॉ कर लिया आर। अब मुझे आर पे पी का वो कंपोनेंट चाहिए जो परपेंडिकुलर है, अगेन ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये अगर मेरे पास एक लाइन है इस पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर ये लाइन टेढ़ी हो गई और ये अपनी जगह पे है तो क्या इस पे परपेंडिकुलर रहेगा, नहीं रहेगा ना, जब आप इसको घुमाएंगे तो इसको भी घुमाएंगे, तो इसलिए ये इस पे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो P के बाहर हमने दो कंपोनेंट निकाले, एक्स एक्सिस वाला P cos थीटा, Y वाला P, ये P परपेंडिकुलर है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, P परपेंडिकुलर क्या हो गया P, तो R P sin थीटा क्या होगा, R cross P। तो एंगुलर मोमेंटम यहां से आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। R क्या हुआ, पोजिशन वैक्टर, P क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, उतार लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, दायरे में घूम रही है, ये उसका सेंटर है, यहां पे फर्ज करें बॉडी मौजूद है, यूं घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा सर्कल के रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये रेडियस है, या अगर ये मैं अज्यूम कर लूँ कि एक्सेस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितनी दूर है, तो ये पोजीशन वेक्टर भी है, ठीक है। तो आर हमारा वो वेक्टर है जो आर क्रॉस पी में चाहिए होता है हमें, और पी हमारी क्या है, मोमेंटम है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में, बेसिकली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में मोमेंटम है। वेलोसिटी हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है, चैप्टर फोर में हमने पढ़ा था, ठीक है, इसलिए इसका नाम था टेंजेंशियल वेलोसिटी,
क्या नाम था इसका? बहरहाल याद इतना रख लें कि V और R के दरमियान एंगल 90 है, V से P निकल रहा है तो फिर P और R के दरमियान भी एंगल 90 है। खैर अगर हम यहाँ से निकालें, हमने कहा था L बराबर है R क्रॉस P, L बराबर है R क्रॉस P, तो मैग्नीट्यूड अगर देखूंगा वेक्टर नोटेशन के बगैर तो आर पी साइन थीटा। सर्कुलर मोशन में थीटा हो गया 90, पी की जगह मैं लिख सकता हूँ एम वी, सही है। तो ये साइन 90 या तो पी और आर का एंगल है या वी और आर का एंगल, एक ही बात है। साइन 90 क्या हो गया? 1। मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? एम वी आर। सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। हमने वो मोशन सर्कुलर मोशन क्या कहते हैं, रदरफोर्ड और नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल है केमिस्ट्री में, वो पढ़ा नहीं पढ़ा अभी। खैर वहाँ भी एंगुलर मोमेंटम का जिक्र आएगा। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सर्कल में घूम रहा होता है, एजम्पशन ये। तो वहाँ भी ये फॉर्मूला आएगा एम वी आर। सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है? एम वी आर। अब इसकी डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन यहीं से समझ लेते हैं। आर को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करें आगे, तो ये आर, क्योंकि एंगल जब भी लेते हैं वो टेल और हेड के दरमियान नहीं लेते, टेल से टेल मिलाते हैं, तो समझे ये मैं थोड़ा सा इसी को मैं आगे ले गया। बहरहाल ये भी आर है, बॉडी यूं घूम रही है, बॉडी यूं घूम रही होगी जब भी तो वेलोसिटी होगी। अगर बॉडी यूं घूम रही होती फिर वेलोसिटी कहाँ होती? नीचे। बॉडी कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर क्लॉकवाइज घूम रही होती तो फिर मैं वेलोसिटी का वेक्टर या मोमेंटम का वेक्टर कहाँ बनाता? नीचे। तो जिस तरह हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पढ़ी थी, क्या थी क्रॉस प्रोडक्ट की? ए क्रॉस बी, एक ही डायरेक्शन में हमने हाथ फैला दो, एक ही डायरेक्शन में हमने हाथ फैलाओ, बी को क्या करो पकड़ो। अब ए आर है, बी क्या है? पी। आर क्रॉस पी डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द प्लेन, सही है। और अगर पी नीचे हो, पी अगर यहाँ आ गया तो अब आर से पी यू आना पड़ेगा मुझे, अब डायरेक्शन क्या होगी? इन टू द प्लेन। दूसरा रूल कैसा था? स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या कहता था? आर से पी, आर से पी स्क्रू घुमाओगे तो स्क्रू बाहर आएगा, वही बात है। और अगर पी नीचे फिर R से P क्या करना पड़ेगा? यूँ घुमाना पड़ेगा, यूँ घुमाना पड़ेगा तो स्क्रू अंदर जाएगा, यूँ घुमाऊंगा तो स्क्रू बाहर आएगा, यूँ घुमाऊंगा तो स्क्रू अंदर जाएगा। तो दोनों से डायरेक्शन वही निकलेगी। समरी क्या है? चाहे अगर ये F होता, फर्ज करें ये F होता, तो फिर ये मैं टॉर्क की डायरेक्शन निकाल रहा होता, फिर R क्रॉस F क्या होता? टॉर्क। चाहे टॉर्क निकाल रहे हैं आप, चाहे एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है? तो वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा। आप ये दोनों लगा के देख लें, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? तो भाई ये याद रख लें, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन या टॉर्क की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है। और अगर क्लॉकवाइज मोशन है, क्लॉकवाइज मोशन है तो आपका राइट हैंड रूल भी अंदर लेके जाएगा, स्क्रू रूल भी अंदर लेके जाएगा। तो बस ये याद रख लो, क्लॉकवाइज में इनटू द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। टॉर्क में भी ये समझाया था, जो टॉर्क का रूल वही एंगुलर मोमेंटम, वहाँ आर क्रॉस एफ था, यहाँ आर क्रॉस पी है। अच्छा, आप जब भी कोई नई क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशंस एमसीक्यूज में आ सकते हैं। साइन का तो कोई काम नहीं होता यूनिट में, और वैसे भी, तो इसलिए उसको यूनिट में कंसिडर। एम वी आर मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। आर भी क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट भी क्या होगी? मीटर। मास की जगह किलोग्राम, वेलोसिटी की जगह, और डिस्टेंस की जगह मीटर, ठीक है। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसको कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट करना है। मैंने क्या किया, इसको सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब मैंने इसको मिला लिया, ये जो एक सेकंड इजाफी है इसको इसके साथ मिला लिया, तो किलोग्राम मीटर
और सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड क्या हो गया, ये मीटर अपनी जगह पे, ये सेकंड अपनी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, न्यूटन। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एम की जगह किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड, इसी को आप कहते हैं न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, न्यूटन। और वर्क की यूनिट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स की जगह न्यूटन, डिस्टेंस की जगह इसको आप कहते हैं जूल। तो न्यूटन मीटर साहब क्या हो गए, जूल। तो बचा क्या, जूल सेकंड। तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, लेकिन ये आसान हो गई ना याद रखना, जूल सेकंड। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या हुई, जूल सेकंड। डायमेंशन निकालने के लिए तो हम इसको देखते हैं, किलोग्राम की जगह कैपिटल एम, मीटर की जगह कैपिटल एल, मीटर का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर, सेकंड की जगह टी, टी ऊपर चला गया, टी माइनस वन हो गया, डायमेंशन हो गई एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये एल एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है और ये एल डायमेंशन वाला एल है, ठीक है। बाज़ औक़ात एंगुलर मोमेंटम को जे से भी ज़ाहिर करते हैं, शायद इसी वजह से।